सूर्य अस्त स्वास्थ्य कर्मी मस्त। शाम होते ही नागरिक अस्पताल में छलकने लगते हैं जाम। सावधान, ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी छलका रहे जाम। जिन स्वास्थ्यकर्मियों पर आपात स्थिति में मरीज की जान बचाने का जिम्मा, अस्पताल परिसर में ही छलकाते रहते हैं जाम। शराब में धुत स्वास्थ्यकर्मियों का ऑडियो हुआ वायरल। ड्यूटी पर तैनात एक कर्मी ने जब रोकना चाहा तो उसको भी धमकाया। शिकायतकर्ता स्वास्थ्यकर्मी बोला, 8 साल से चल रहा है जाम छलकाने का कार्यक्रम। सीएमओ बोले, करेंगे जांच, होगी कार्रवाई। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल का है मामला। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये काम आपके ठीक है डेली डेली ऑन रूटीन ड्रिंक करना? बताओ भाई क्या करना चाहिए, बताओ है? भाई बोलो क्या कमी रहेगी भाई, बड़े भाई कमी तो यही रहेगी, हर तीसरे दिन का काम हो गया। तू हम इसलिए ठीक है भाई, पक्का भाई गलती कर सकते भाई, डेली का नहीं ना, हर तीसरे दिन हो रहा है चीज। भाई थोड़ा परेशान हूँ। तो डॉक्टर साहब ये चीज थोड़ी माउंट रुटी, आप घर कर लो आराम से भाई, उससे नहीं छोड़ी भोले साहब। चलो ठीक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ओके सर, ठीक है भाई, ठीक है जी, ठीक। ओके, हेलो, कहाँ है? बता कहाँ पे है काम? बता आज मेडिकल होना सर। क्यों होना मेडिकल है आज? अच्छा हाँ, आज कर दी तूने, क्या कर दी भाई? भाई बिल्कुल तुमने तो यार आधे घंटे तक मैं बोल लो ना, मेरे तेरे को मतलब ना बोलो तो समझ, रोज उर पीनी जरूरी सही है तो तू बस तू यार मना करे तो मना पियो, हम के पियो। मैं क्यों मना कर दूं? मैं परमिशन देने वाला सूर है, तुम ना हॉस्पिटल बैठे टूटी पा रहा सूर है। अरे तो तू नाट जा तो कि मैं नहीं करूं, मैं तू बता ना क्यों ना तू, मैं ठीक तो ना रस्ता में जा रहा, फिर मेडिकल कर ले। मैं तो कर रखी कंप्लेंट, आ जा यहां लिया पुलिस वाला। अरे तो नाट तो तू मार कह दे तो भाई, आज मन लियो नहीं आ रहा ना मैं, तू मेरी बात सुन ले। हाँ बता, क्यों रोड करवा रो भाई? मैं क्यों रोड करवा रहा हूँ? रोज टिकट ना पीवांगा। अरे आप दादा ना पीवांगा रोज भाई, मुन्ने के मतलब से मेरे लिए पीओसी मत, तू मुन्के मतलब से तू आ जा देख ले। ओ मेरा बाप आया, क्यों देख लूँ बता? सुन मेरी बात, आप दादा ना पीवांगा बस, हम ना बैठ जा बात होगी। हर तो रोज को काम भाई, कब तक देखा? अरे ना भाई रोज को मेरा तो है ना, तू आ जा सुलट ले, आज आज सुलट ले। अगर अहमदाबाद मेरे हो जाओ, मेरे को मेट्रो जाओ, मैं तो भी ना करो भाई। और कौन कौन सा सारे साथ उन्होंने बता, कौन कौन सा कमरा बता मुझे पहले है? कमरा कौन कौन था? तू तो कमरा में सारा ही था। कौन कौन? तू तू ही ना थो ये सारा ही था। पेनियम ना मेरे साथ कोई कौन ना, ठीक है तू कर ले यार, तू दूर भाई। कुछ भी मैंने दे दी दरखास्त, सुनो एक बार पूछ तो ले तो भाई, हम टाड़ कर देता। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर आपात स्थिति में अर्थात एक्सीडेंट होने पर अस्पताल तक पीड़ित को सकुशल पहुंचाने का जिम्मा होता है, ड्यूटी पर तैनात उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में स्वास्थ्य कर्मी नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं, शराब की बोतलें भी देखी जा सकती हैं। यदि यह ऑडियो ठीक पाया जाता है तो कहीं ना कहीं यह रेवाड़ी के लोगों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। वहीं स्वास्थ्य पेशे के साथ भी धोखा है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। यदि यह स्वास्थ्य कर्मी शराब के नशे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाएंगे तो समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जमीनी हालात क्या हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार तो तस्वीरों में शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। यह रेवाड़ी नागरिक अस्पताल परिसर में बने एक कमरे की है। हालांकि दैनिक साथी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन यदि आरोप सच पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है।
आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी जिनमें एम्बुलेंस चालक व EMT हैं, अर्थात इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हैं, ये EMT एम्बुलेंस पर तैनात होते हैं और घायल या गंभीर रूप से मरीज को प्राथमिक उपचार देने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से ओडियो में शराब के नशे में धुत एक स्वास्थ्यकर्मी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े करता है। इसको लेकर जब रेवाड़ी CMO से बात की गई, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, यदि आरोप सही निकलते हैं तो नौकरी से भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर यह कथनी और करनी पूरी होगी या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन मामलों को दबा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से 8 साल से इस तरह के हालात बताए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी आखिर करते क्या हैं? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि मॉनिटरिंग का भी जिम्मा कहीं ना कहीं किसी का बनता है, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से नागरिक अस्पताल परिसर में शराब के जाम छलक रहे थे, संदेह के घेरे में मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसे कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को इस तरह की गंदी मछलियों पर कार्रवाई करनी जरूरी है ताकि लोगों का स्वास्थ्य कर्मियों पर भगवान के रूप में विश्वास बना रह सके। हाँ, ये वीडियो के बारे में मुझे आप लोगों से ही पता चला, मैं भी इस वीडियो को अभी देखूंगा। जो भी दोषी होगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी अच्छे से एज पर रूल। और आइंदा से मैं यहाँ पे एक स्पेशल एक SMO की ड्यूटी लगाऊंगा जो रात को 2 या 3 बार विजिट करे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर ये सच में ऐसा कुछ है तो ये रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन पर अच्छे से कार्रवाई होगी और अगर कोई जान पहचान का भी है, कोई इस तरह का भी है, तो उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी अगर कोई दोषी पाया गया तो। अगर बहुत बड़ा ब्लंडर है तो नौकरी से भी निकाला जा सकता है।